हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही नज़दीक आ गया है और हमने मार्केट की मिठाई को कर दिया है टाटा बाय बाय, क्योंकि हमें चाहिए प्योर हाइजेनिक और सेफ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई कीजिए, आप देखेंगे इसमें कितनी कम चीज़ों में हमने ये मिठाई बनाई है और कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मलाई, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और 1 कप शुगर। इस मलाई को हम एक पैन गरम करेंगे, उस पैन में डाल देंगे। जब हमारी मलाई थोड़ी सी मेल्ट होने लगेगी, हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर ऐड करके हम अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे। शुगर हमारी मिक्स हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे डेसिकेट कोकोनट पाउडर। इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये हमारा सारा बैटर लंप फ्री हो गया है, अब इसे हम हिलाएंगे। एक चीज़ फ्रेंड्स, ये मिठाई बनेगी बहुत क्विक, लेकिन इसमें कुछ जो ट्रिक्स और टिप्स हैं मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये टिप्स है हमारा कि आपको इसे रेगुलर हिलाते रहना है। अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो हमारी जो इतनी इजी स्वीट है वो बिगड़ सकती है। तो इसे हमें बिल्कुल रेगुलर हिलाते रहना है, बिल्कुल भी बीच में और एक ही डायरेक्शन में हमें हिलाना है। बीच बीच में हमको स्टॉप नहीं करना है। और एक हमें नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करना है, उससे हमारा जो बैटर है वो नीचे लगेगा नहीं। ये सारी हमारी चीज़ें मेल्ट हो चुकी है और बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब देखिए, साइडों में से पैन ने हमारे थोड़ा थोड़ा सा जगह छोड़ना चालू किया है। इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में हिलाते रहें। फ्रेंड्स देखिएगा, बहुत ही जल्दी हमारी मिनटों में यह स्वीट्स बनके तैयार हो जाएगी। इसमें आप चाहें तो कोकोनट पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने दोनों तरह से ये मिठाई ट्राई की है, लेकिन कोकोनट के साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें, इस रक्षाबंधन पर यह स्वीट ज़रूर बनाएं। ये देखिए, साइड्स में से पैन हमारा छोड़ने लगी है। ये बबल्स आने लगे हैं। अब लगातार हिलाते रहें, नहीं तो ये मिठाई नीचे तले में चिपक जाएगी। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। रेगुलर अब आप चलाते रहें, मिठाई हमारी कुछ ही सेकंड्स में बनके तैयार हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल झाग आ गए हैं, जालियां पड़ गई हैं मैसूर पाक की तरह। मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि बिना अपन बेसन के भी मैसूर पाक बनाया जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी इसमें जालियाँ आने लगी है। ये देखिए, साइडों से गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इस स्टेज पे आप बहुत ही ध्यान से रेगुलर हिलाते रहें फ्रेंड्स। देखिए साइड्स बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो गई है। साइडों में थोड़ा थोड़ा घी आ गया है, अब बिल्कुल गोल्डन हो गया है। अब गैस ऑफ करके स्टील के कंटेनर में निकालेंगे और इसे कुछ देर ऐसे ही रखने के बाद हम कट करके सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा मैसूर पाक फूला है और कितनी अच्छी इसमें जालियां आई है। फ्रेंड्स, इस रक्षाबंधन ये मिठाई ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ये कैसी मिठाई बनी। इतनी आसानी से बनने वाली मिठाई अब कौन मार्केट की मिठाई लाना चाहेगा।
5 मिनट में जब मिठाई घर पर बन जाती है तो मैसूर पाक आप ज़रूर बनाएं, अपने भाई को खिलाएं और सभी को खिलाएं और खुश कर दें। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।